भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर टूर्नामेंट की अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज कराई। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने ये मैच 4 रन से जीत मौजूदा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा के 34 गेंद पर बनाए 46 रन की बदौलत 8 विकेट पर 133 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 129 रन ही बना सकी। भारतीय टीम ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से मात दी थी, जबकि दूसरे मैच में उसने बांग्लादेश को 18 रन से हराया था। अब टीम का सामना अगले लीग मैच में 29 फरवरी को श्रीलंका से होगा। भारत से मिले लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत से ही संघर्ष करती रही और उसने नियमित अंतराल पर अपने विकेट गंवाए। टीम के सबसे मजबूत बल्लेबाज सूजी बैट्स और कप्तान शॉफी डिवाइन कुछ खास नहीं कर सकी और 6 व 14 रन बनाकर चलती बनी। एमिलिया कैर ने 19 गेंदों पर नाबाद 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वे विजय मंजिल से पहले ठिटक गई। इस पारी में उन्होंने 6 चौके जड़े। केर के अलावा कैटी मार्टिन ने 28 गेंदों पर 25 रन बनाए। उनके अलावा मैरी ग्रीन ने 23 गेंदों पर 24 रन का योगदान दिया। भारत के लिए सभी गेंदबाजों ने विकेट लिए। दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे, राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव और राधा यादव ने एक-एक खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एक बल्लेबाज रन आउट हुई। इससे पहले शानदार फॉर्म में चल रही 16 साल की शेफाली वर्मा को बुखार के चलते पिछले मैच से बाहर रही स्मृति मंधाना टीम के लिए ओपनिंग करने उतरी। हालांकि मंधाना 8 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हो गई, मगर शेफाली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखा। भारत के पावर प्ले के ओवरों में 49 रन बनाए शेफाली और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरी तानिया भाटिया ने दूसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की। तानिया 10वें ओवर में पवेलियन लौट गई। रोज मैरी मायर की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट पर खड़ी एमिलिया कैर ने उनका कैच लिया। 23 रनों के लिए उन्होंने 25 गेंदें खेली और 3 चौके जड़े। तानिया के आउट होने के बाद जेमिमा रॉड्रिग्स क्रीज पर उतरी। भारत के 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बनाए थे, लेकिन रॉड्रिग्स 12वें ओवर में आउट हो गई। कप्तान हरमनप्रीत की खराब फॉर्म जारी रही। उन्होंने लीग कास पैरक ने अपनी ही गेंद पर कैच किया। 8वें और 10वें ओवर में जीवन दान पाने वाली शेफाली ने भी कैर की गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर हैरी जॉनसन को कैच दिया। उन्होंने 34 गेंद पर 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 46 रन बनाए। बाएं हाथ की बल्लेबाज दीप्ति शर्मा और वेदा कृष्ण मूर्ति भी अधिक योगदान नहीं दे पाई। राधा यादव ने अंतिम क्षणों में 9 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 14 रन बनाए, जबकि शिखा पांडे 14 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रही। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।